ठीक है, अभी शुरू करते हैं स्वीट पोटैटो कटलेट। अभी उसका छिलका मैंने निकाल दिया है और इसे पानी में डाल दिया अभी, और अभी मैं उसको ऐसे स्लाइस करके काट रहा हूँ। देखिए थोड़ा मोटा मोटा रखना है इसको, ज़्यादा पतला मत कीजिए। बस काटने के बाद ऐसे पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने से क्या होगा कि वो मतलब कलर चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा, नहीं तो पानी बाहर रखेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी उसके लिए हमने बैटर बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक अंडा लिया है और उसमें पानी डाल के अच्छा से मिला लूँगा। और उसमें मैं ऐड करूँगा मैदा। अभी इसे मैदे डाल के इसे अपने अच्छा से मिला दीजिए, क्योंकि पूरा वो अच्छा बैटर बन जाएगा। और उसका ऊपर एक अंडा डाल दीजिए। मैंने उसके ऊपर एक अंडा डाला इसीलिए कि जो तो हमारा मैदा बैटर है ना, वो थोड़ा अच्छा थिक बनेगा और थोड़ा क्रिस्पी भी ज़्यादा होगा। और ये मैंने बना के रखा था ब्रेड क्रम्ब, मैदा लिया है। और अभी थोड़ा इसमें सॉल्ट ऐड कर देता हूँ, और दूसरा कोई भी मसाला मैं नहीं डाल रहा हूँ इसमें, सिर्फ सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ। अभी देखिए मैंने स्वीट पोटैटो को ऐसे मैदा में लगा के वो बैटर में डाल रहा हूँ। मैदा में इसीलिए लगा रहा हूँ कि वो जो बैटर है ना वो अच्छा पकड़ेगा। वो बैटर अच्छा पकड़ेगा तो आपका जो ब्रेड क्रम है वो आपका थोड़ा थिकनेस आएगा, तभी जो क्रिस्पनेस है वो थोड़ा अच्छा आएगा आपका। बस ऐसे करके आप देखिए पूरा हल्का सा ही प्रेस करना है। देखिए अच्छा से देखिए चिपक गया ब्रेड क्रम। बस ऐसे एक एक कर दीजिए। अभी हमारा तेल गर्म हो गया है, अभी हम इसको तेल में छोड़ देते हैं। लगभग 2-3 मिनट तक पकाना है। देखिए अभी थोड़ा ब्राउन कलर आ गया है। और कितना गोल्डन कलर आ गया है इसमें, एकदम क्रिस्पी हो गया है। बस हमारा बनकर रेडी हो गया स्वीट पोटैटो कटलेट, उसको अभी हम निकाल देंगे। ये एक्चुअली इवनिंग स्नैक्स के लिए, जो बच्चे लोग हैं ना उनके वो स्नैक्स के लिए वो अच्छा पसंद करेंगे इन डिशेज को। ये किसी के साथ खा सकते हैं, जैसा कि मैंने ये लिया है खट्टा मीठा चटनी, नहीं तो ग्रीन चटनी अगर है तो उसके साथ भी खा सकते हैं कोई, और मायोनीज के साथ भी खा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिश आपको ज़रूर पसंद आएगा, और आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।